में आचार्य एक जगह में थे और शिष्य लोग आचार्य के बारे में घूमते रखते थे। अभी तो शिष्य ही एक जगह में ऐसा प्रतिष्ठित है, विक्रय जैसा, घर कमरा से बाहर आने के भी तैयार नहीं है शिष्य है, उसका उसका कमरे में उसका उसकी कुर्सी में वो प्रतिष्ठित है, पंचलोक विक्रय जैसा प्रतिष्ठित है, और आचार्य उसको ढूंढ के पढ़ाने के लिए वह यहाँ वहाँ जाने पड़ेगा। इसलिए ये सब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अभी बहुत सुलभ उपाय है, इसलिए उसका उपयोग तो हम करना चाहिए। और योग शास्त्र में हम मैंने बोला कार्य कार्य व्यवस्था बोला, जो करना है और जो नहीं करना है वो सब समझने के लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए। वो करने से यदि हम कुछ अकर्तव्य करते हैं और इसका फलभाग्य दुख है, उसका फल ही दुख है, और दुख से ही सब कुछ संभव होता है, दुनिया में सब विनाश दुख से ही होता है। इसलिए कार्य कार्य व्यवस्थिता बहुत मुख्य है। योग से कार्य कार्य व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी होगी, ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान प्रभाव। ज्ञान प्रभाव मैंने क्या क्या ज्ञान प्रभाव, तत्व निर्णय, तत्व का निर्णय, यह तो विषय है, ऐसा निर्णय होना चाहिए, यह होगा शायद नहीं होगा उससे पूछना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, वो किताब में ऐसा देखा था, वो सब तत्व निर्णय नहीं है। तत्व का निर्णय होना चाहिए, दृढ़ीकरण होना चाहिए, तत्व निर्णय, हमारा खुद तत्व निर्णय मात्र नहीं, दूसरे वालों को तत्व का प्रकटन प्रस्थापन हम करना चाहिए, उसके लिए सिद्धांत ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम समझने के लिए तत्व निर्णय, दूसरों को वो दिखाने के लिए सिद्धांत ज्ञान, और जो सो रहे हैं उसका उद्घाटन के लिए प्रबोधन ज्ञान, और जो जानते हैं काम नहीं करते हैं उनको काम करवाने के लिए प्रेरणा ज्ञान, जो जिसका ज्ञान अनादि पाप वासना से मर गया उनको पुनरुद्घाटन करने के लिए प्रज्वलन ज्ञान, ये सब पांच ज्ञान योग से ही हो सकता है। वो मात्र नहीं है, सूचन, सूचन शक्ति, चार प्रकार की शक्ति है, विशिष्ट शक्ति बोलते हैं, सूचन शक्ति, जागरण शक्ति, वारण शक्ति, धारण शक्ति, ये चार योग अभ्यास से ही मिल रहा है। सूचन मैंने ये आदमी सही आदमी है नहीं, अभी ये काम कर सकते हैं नहीं, ये सब तो सूचन है। अपाय के बारे में पहला सूचन हमको मिलना चाहिए, अपाय उपाय के बारे में, इसलिए वो तो सूचन शक्ति है। जागरण शक्ति मैंने सब विषय में जानकारी होना चाहिए, इसलिए सब विषय में जानकारी के लिए जागरण, काल वस्तु पुरुष अधिकार कर्म फल के बारे में उस संदर्भों में ये करना या करना, कैसे करना, कितना करना, कब तक करना, ये सबका जानकारी तो सूचन ज्ञान है। जो हमको अच्छा नहीं है उससे बाहर जाने के लिए वारण शक्ति होना चाहिए। बहुत रोग है और मंदिर के अंदर वो नहीं चल सकते, मन नहीं लगता है, कोई आदमी है कुछ चित्रपट देखने को चलते हैं, कुछ खेलने के लिए चलते हैं, वहां से बाहर आने के लिए मन नहीं लगता उनको, यहाँ अंदर जाने के लिए मन नहीं लगता है, ये सब उल्टा उल्टा है। कोई कुछ चीजों से बाहर आने के लिए मन नहीं लगता है, कुछ चीजों में जो बहुत योग्य है हमको अत्यावश्यक है वहां तो अंदर जाने के लिए मन नहीं लगता है, इसलिए वारण और धारण शक्ति होना चाहिए। वारण मैंने जो निषेध है उनसे बाहर आने के लिए, जो हमारा उपादेय है उसमें अंदर जाने के लिए तो ये धारण शक्ति होना चाहिए। आवश्यक विषय में अंतर जाने के लिए धारण, अनावश्यक विषयों से बाहर जाने के लिए वारण। यदि वारण शक्ति आपके पास तो आप सब बाहर जाने वाले हैं ना भी परंतु ये तो अत्यावश्यक है। इसके बारे में हम कुछ मंत्र आज बताने वाले हैं। फिर संरक्षणादि न्याय है, क्या बोलते हैं इसको, संरक्षणादि न्याय, वो क्या, योग शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं, संरक्षण सुरक्षण कर सकते हैं, परिवर्तन आनयन दहन परित्राण, षट शक्ति बोलते हैं इसको, षट शक्ति है। धीरे धीरे बोलना है, धीरे बोलना चाहिए क्या, ठीक है, संरक्षण सुरक्षण परिवर्तन आनयन, एक आदमी तो जल्दी लिख सकता है, उनसे सब लोग देख के लिख सकते हैं, अरे बचपन में देखे देखे लिखे अभ्यास हुआ ना परीक्षा में, आगे 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 जो बैठे उनको देखे देखे ही लिखे हैं ना, आनयन परिवर्तन आनयन दहन परित्राण। संरक्षण मैंने जो योग शास्त्र में प्रतिष्ठित है उसका ये दो काम तो करना पड़ेगा, संरक्षण और सुरक्षण, ये तो हम एक परिहास रूप में भी बता सकते हैं, आपसे
योग शास्त्र को बचाने के लिए एक होना चाहिए, हाँ दोनों भी होना चाहिए ना, योग शास्त्र का संरक्षण भी करना चाहिए। सुरक्षण मैंने जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका अनुष्ठान को देखना, उसका अनुष्ठान को संभालना वो तो सुरक्षण है, वो पद्धति को संभालना तो संरक्षण है। यदि आप योग का परिपालन जानते हैं, योग को बचाने के लिए जानते हैं, योग को बढ़ाने के लिए जानते हैं, योग में जो जो विरोधी है उनको निकालने के लिए आप चाहते हैं, वो तो संरक्षण है। योग का संरक्षण करना चाहिए और हम अनुष्ठान करते हैं और हमारा आंतरिक वैरी होगा और बाह्य वैरी कोई बंधु का रूप में होगा और हमारा निर्बंध का रूप में यदि पैसा के बारे में, बीमारी के बारे में बहुत कुछ तो हो रहा है ना, ये सबसे विमुक्ति होने के लिए सुरक्षण योगाभ्यास जो करने वाला है। इसलिए मैंने एक उपन्यास में मैंने बोला यदि आपके पास सिर्फ 5 बिंदुओं की शक्ति है और मूल मंत्र के लिए आपको 100 बिंदुओं की शक्ति चाहिए, सिर्फ 5 बिंदु है अभी आपके पास, इसको क्या कर सकते हैं? इसलिए वो 5 बिंदु से जो शक्ति हम ले सकते हैं उतना मंत्र हम बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं? लघु दीक्षा बोलते हैं। लघु दीक्षा मैंने उसका जीर्ण शक्ति का योग्य है जितने हैं वो अर्हता के अनुसार मंत्र देना। मंत्र के अनुसार अर्हता तो जल्दी 1-2 दिन में नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अर्हता के अनुसार मंत्र देना, फिर वो 5 बिंदुओं से वो मंत्र का पारायण और अनुष्ठान पूजा करने वाला की शक्ति बढ़ेगी, वो 10-15 हो जाएगा, फिर उससे तो 25, फिर उससे 50, फिर 70-80, फिर ऐसा तो 100 तक मिलेगा। ये 1-2-3 श्रेणी में वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए मंत्र का अभ्यास अभी हम जहाँ से हैं वहाँ तो भी कर सकते हैं। इसलिए पहले हमारी खुद रक्षण होना चाहिए, खुद रक्षण मैंने जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसको तकलीफ नहीं आना चाहिए। तकलीफ हमसे भी होगा और बाहर जो आदमी है उनसे भी होगा, वो नहीं आना चाहिए। और संरक्षण मैंने जो जो योग हम बोलते हैं ना, पहले राष्ट्र से प्राप्ति लेना है। हम तो बचपन में राष्ट्र से विद्या, उद्योग, अन्न दान पान सब किससे लेना है? राष्ट्र से लेना है। और खुद हमारी स्थिति में प्रतिष्ठित होने के बाद राष्ट्र का पालन हम करना, राष्ट्र को देखना चाहिए। इसलिए पहले तो सुरक्षण योग में हम बढ़ाने के लिए होना चाहिए और योग में बढ़ाने के बाद योग का गौरव, योग संप्रदाय का जो गौरव और पूजनीयता को दुनिया में प्रतिष्ठित करना है, उसमें जो जो विकृति लोग हैं, दूषक लोग हैं, वो दूषक सब लोगों को विदूषक बनना चाहिए। इसके लिए हमको ये संरक्षण की शक्ति तो बहुत अत्यावश्यक है। जो जो दूषक है उसको क्या बनाना? विदूषक बनाना। इसलिए योग का संरक्षण के लिए संरक्षण और खुद हमारा परिपालन के लिए सुरक्षण, ये 3। और परिवर्तन, जो योग में शंका पीड़ित है, जो योग से अपूर्ण है योग में और जो योग में अतृप्त है, उनको योग मार्ग में लेके आना तो परिवर्तन है। और जो योग मार्ग से बहुत दूर है वैदेशिक लोग जैसा, उनको भी पास लेके आना आनयन है। और जो दुनिया में योग संप्रदाय का, सत संप्रदाय का दुश्मन है, उनको निराकार करना, विनाश करना दहन शक्ति है। और जो दुनिया का बहुत बड़ा अपाय है, दुनिया का अपाय है, जैसा आतंकवाद, भयंकरवाद, अनुस्फोट, ये सब दुनिया का अपाय है, वो सबका परिपालन करना तो, वो सबका विमोचन के लिए काम करना तो परित्राण। इसलिए आपका उन्नति और आपको बढ़ाने के लिए सुरक्षण, योग शास्त्र की अभिवृद्धि के लिए संरक्षण, दूसरे वालों को भी मार्ग दिखा के उनका मन में जो शंका है, आशंका है, वो सब निकालने के लिए परिवर्तन। और जो बहुत दूर है उनका भी पास लेके हमारा आलिंगन में, परिश्वंग में ज्ञान देना, वो तो आनयन। और जो बहुत विरोधी है, दुनिया का कल्याण का विरोधी है, उनको हमारी शक्ति से, संकल्प से, दूर से उनका दहन करना तो दहन है। और सब दुनिया का, केवल हमारा परिपालन, योग का परिपालन नहीं, सब दुनिया में जो विचार हो रहा है आज युवागणों के बारे में बहुत विचार हो रहा है, युवागणों के बारे में बहुत विचार हो रहा है, वो अनैतिक।